तो दोस्तों फाइनली आपका फिर से एक बार ए टू जेड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो भाई आज मैं जिस यूट्यूबर के बारे में बात करने वाला हूँ भाई, आप लोग सभी उसको अच्छे से जानते होंगे और भाई उसकी अर्निंग के बारे में आप लोग देख के भाई 1 महीने वो स्पॉन्सरशिप विस्पॉन्सरशिप करते नहीं है। 1 महीने के अंदर अगर मैंने आपकी उनकी आपको उनकी अर्निंग बता दी ना तो भाई आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। अच्छा तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना है और भाई चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना है। हम अपने चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं और भाई आप लोग कमेंट करके बताया करो कि भाई इतना उस यूट्यूबर के बारे में बताओ उस यूट्यूबर। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो भाई सौरभ जोशी ब्लॉग्स, जिनका एक ब्लॉगिंग का चैनल है और भाई उनकी अर्निंग भी रिवील हुई थी, मतलब कुछ दिन पहले कोई वीडियो में, मतलब ऐसे 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए इतना उनकी अर्निंग रिवील हुई थी। तो भाई क्या बात वो सत्य है या नहीं, तो हम अपने हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे भाई उनकी अर्निंग। तो भाई आप लोग उनके चैनल पर जाते होंगे तो अप्रोक्स आप लोगों ने देखा होगा 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन व्यूज इतने उनकी वीडियो पर आई जाते हैं। आप लोगों को पता होगा इतना व्यूज उनकी वीडियो पर आता ही है डेली, 24 घंटे के अंदर आ जाता है। और भाई और उनके चैनल पर भी व्यूज आते ही होंगे 24 घंटे में, कभी कोई सी वीडियो चल रही है, कभी कोई ऐसे मतलब चलती रहती है, आप लोगों को पता होगा। तो भाई सौरभ जोशी ब्लॉग्स, तो भाई उनके चैनल पर आप लोग एप्रोक्स व्यूज लगा सकते हो उनके चैनल पर, के मतलब आप लोग भाई किस हिसाब से मतलब कितने व्यूज उनके वीडियो पर आ जाते हैं, मतलब एप्रोक्स लास्ट 30 दिन के अंदर उनके चैनल पर कितने व्यूज आ जाते हैं। तो भाई मैं एक टारगेट लगा चलता हूं, तो भाई उनके चैनल पर व्यूज आ जाते हैं 170 मिलियन, 170 मिलियन 30 डेज के अंदर 170 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। और भाई उनके चैनल का आरपीएम भाई पक्का बता रहा हूं, भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, भाई पक्का बता रहा हूं, 2000 व्यूज पर एप्रोक्स $1, भाई गारंटी दे रहा हूं। अगर सौरभ जोशी इस बात से इंकार करते हैं तो भाई वो अपने चैनल का आरपीएम निकाल के दिखाते हैं, भाई इससे कम नहीं होगा गाइस, ये मतलब इससे ये 2000 व्यूज पर $1, भाई 1500 रुपए भले ही बन जाता होगा लेकिन 2000 रुपए आप लोग समझ सकते हो, 2000 व्यूज पर $1 इजिली उनका बन जाता है। तो भाई व्यूज आप लोग लगा सकते हो 170 मिलियन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। 170 मिलियन व्यूज उनके 30 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो भाई अभी आप लोग देख सकते हो 2000 व्यूज पर $1, तो भाई हम उनके 1 मिलियन व्यूज पर, 1 मिलियन व्यूज पर एप्रोक्स भाई कम से कम लेके चल रहा हूं $550 $550 $1 मिलियन व्यूज पर उनके इजीली बन जाते हैं। भाई आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, देखना अभी मैं प्रूफ के साथ बात करने वाला हूं, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो $550 भाई इतना तो बन ही जाता होगा भाई, जिसमें 20 मिलियन सब्सक्राइबर है यार, 20 मिलियन होने में कसर ही क्या है, होने ही वाले हैं भाई 20 मिलियन सब्सक्राइबर, $550 इजिली बन जाता होगा 1 मिलियन व्यू पर। तो भाई आप लोग लगा सकते हो 170 मिलियन व्यू, 170 मिलियन देखो $550 इंटू 170 मिलियन अपन लोग कर देंगे, 550 इंटू करेंगे तो ये आएगा 93,500 डॉलर, $93,500 उनके लास्ट 30 दिन के अंदर, आप लोग समझ सकते हो 30 दिन के अंदर $93,500। तो भाई अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है भाई आप लोगों को पता होगा इंडिया में, तो भाई $1 कीमत हम लगा के चलते हैं 80 रुपए, वैसे 82 तक है इस टाइम डॉलर कीमत, लेकिन हम भाई कम ही लेके चलते हैं, 80 रुपए हम लोग लेके चलते हैं। तो भाई वो वीडियो से पर्दा फाश हुआ था उस हिसाब से उनकी अर्निंग का हम लगा के चल रहे हैं। तो भाई अभी आप लोगों को क्या करना है, 93,000 इसको मैं यहां से हटा देता हूं है, तो 93,500 डॉलर निकल के आई इंटू $80,
अभी भाई हम जो ये नीचे काउंट होके आएगा तो भाई इतनी अर्निंग सौरभ जोशी की एक महीने के अंदर निकल के आने वाली है भाई। और आप लोग सौरभ जोशी के फैन हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। और भाई अब हम इनकी अर्निंग निकालते हैं, मतलब कितनी अर्निंग ये निकलती है। हमने डॉलर में निकाला है अभी 93,500 डॉलर, इंटू 80 करेंगे तो भाई आप लोगों को पता होगा कि कितने डॉलर। तो भाई ये निकल के आ रहा है 74,80,000 रुपए, 74,80,000 रुपए ये निकल के आएगा। तो करीब करीब आप लोग लगा सकते हो 75 लाख रुपए कुछ भी एक महीने की कमाई। तो भाई आप लोग लगा सकते हो 75 लाख रुपए सौरभ जोशी की एक महीने की कमाई। जो बंदा एक महीने के अंदर 75 लाख रुपए कमा रहा है तो भाई वो तो फॉर्चूनर और थार में घूमेगा ही, आप लोगों को पता है भाई। 75 लाख रुपए देख लो गाइज, आज एक महीने की कमाई 75 लाख रुपए। और किसी दिन सौरभ जोशी के पास माइक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो भाई माइक खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आज इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर है। मनोज दे जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज वो टाटा हैरियर से चलता है। कैरी मिनाटी जिसके पास भी कुछ नहीं भी नहीं था, आज वो इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर है। तो भाई आप लोग समझ सकते हो, जब ये लोग नंबर वन पर जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा गरीब एमएस ब्लॉग्स, गरीब एमएस गेमिंग था उनके चैनल का नाम, अभी उन्होंने बदलकर ब्लॉग्स कर दिया है। तो भाई आप लोग लगा सकते हो कि भाई वो बंदा जीरो से मतलब कहां जा रहा है। तो भाई आप लोगों, भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो यार, कोई पता नहीं भाई YouTube पर कब जन किसको सक्सेस मिल जाए। सो गाइस वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में बताना, और नेक्स्ट कमेंट भी आप लोगों को करना है कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।